ये धान के खेतों में दूसरी वैरायटी की नर्सरी डाली जा रही है। इससे पहले हमने एक वैरायटी किस्म की नर्सरी डाली थी और आज हम लोग यहाँ पे धान के खेतों में ट्रैक्टर से हमने दो एक एक क्रॉस जुताई कराई है, इसके बाद रोटावेटर चलाया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगहों पे ऊंचा और नीचा है, खेत समतल नहीं है, इसलिए हम लोग मानव बैल चालित ये छोटा सा पाटा बनाया है, इसको हम लोग उपयोग करके खेत को लेवल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफ़ी वजन है इस पाटे में, बहुत ही शीघ्र ये हमारा खेत लेवल हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम धान के डॉक्टर थोड़ा सा यहाँ आइए, हमारे साथ माननीय डॉक्टर उदय नारायण भारती जी भी हैं, आपका भी बहुत जबरदस्त प्रयास है इसमें, बड़ा ही सुंदर कार है ये, सब थोड़ा सा आगे चलिए घूमते हैं, बस यहीं से मोड़ लीजिए, आप रुकिएगा, मैं मुझका हाँ मोड़ लीजिएगा, वेरी गुड। का नर्सरी डाली जा रही है, ये गीली विधि से नर्सरी हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ ये हमारे भाई हैं, ये नर्सरी में बीज डाल रहे हैं। इससे पहले इसकी नर्सरी तैयार करके पाहटा चला करके लेवल करके इसमें पानी भर के धान को लगभग 12 से 15 घंटे भिगो करके और ये नर्सरी हम लोगों ने यहाँ पे डाल ही रहे हैं अभी। और ये एकदम परफेक्ट टाइम है, जून के प्रथम सप्ताह में, यदि हम 25 जून मई से लेकर के और जून के प्रथम सप्ताह में यदि हम धान की नर्सरी डालते हैं तो एकदम सही समय पे लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये हमारे यहाँ पे आज ये नर्सरी डल रही है, इस नर्सरी डलाई में माननीय उदय नारायण भारती जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर उदय नारायण भारती जी, राजीव भाई दीक्षित के अनुज हैं आप, माननीय अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी के, आपके माध्यम से भी नर्सरी में सहयोग किया गया, पाटा चला करके सहयोग किया गया, बीज भी छिड़का गया, डाला गया और मैंने भी इस पे थोड़े से प्रयास किए हैं। तो ये अच्छा तरीका है, हमारे यहाँ पे ये गीली विधि नर्सरी कहलाती है, इसके माध्यम से बड़ा अच्छा पौध तैयार होती है, खरपतवार कम आते हैं और सीड रेशियो भी प्रॉपर रहता है,